इस लेक्चर में हम फेनोफ्लो समझेंगे तो देखिए फेनोफ्लो क्या होता है देखिए फ्लो इन ए कॉन्स्टेंट एरिया डक्ट विथ फ्रिक्शन विदाउट हीट ट्रांसफर इज नोन एज फ्लो। तो फेनो फ्लो का अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो जो आपका ए सी का डक्ट होता है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लो तो फेनो फ्लो में क्या है एरिया uh, आपका क्या रहेगा कॉन्स्टेंट एरिया रहेगा विथ फ्रिक्शन रहेगा एंड विदाउट हीट ट्रांसफर रहेगा तो अगर इस तरीके का जो केस रहेगा वो फेनोफ्ले रहता है तो कॉन्स्टेंट एरिया तो आपने रेली मेथड में भी देखा था रेली फ्लो में भी आपने देखा था वहां पे विदाउट फ्रिक्शन था विद हीट ट्रांसफर था मतलब इसके उल्टा आपने वहां पे देखा था अब फ्लो के लिए हम लोग क्या क्या एजेंसन लेके चल रहे हैं पहला एजें्पन हमारा रहेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉन्स्टेंट सेकंड रहेगा देयर इज ए स्टडी फ्लो थर्ड देर इज ए वन डायमेंशनल फ्लो फोर्थ एजें्पन है देर इज नो हीट ट्रांसफर तो यहाँ पे बोला है विदाउट हीट ट्रांसफर फिफ्थ एजेंशन है देर इज नो वर्क डन अगला एजें्शन है देर इज फ्रिक्शन तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी बोला है फ्लो इन ए कॉन्स्टेंट एरिया डक विद फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन रहेगा यहाँ पे अगला जो एजें्सन है आइडियल गैस इज यूज एज अ वर्किंग फ्लूट तो वर्किंग फ्लूट में हम क्या लेंगे आइडियल गैस को हम लेंगे अब इसमें कुछ गवर्निंग इक्वेशंस आपकी रहेगी तो पहली गवर्निंग इक्वेशन हम लेंगे दैट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन सेकंड आपकी रहेगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक थर्ड आपकी रहेगी मोमेंटम इक्वेशन फोर्थ आपकी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक फिफ्थ आपकी रहेगी इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड सिक्स हमारी रहेगी आइडियल गैस इक्वेशन तो देखिए सबसे पहले हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को देखते हैं फॉर फेनो फ्लो तो इसको हटाते हैं तो देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन दैट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या बोलता है ये बोलता है मास फ्लो रेट एट सेक्शन वन वन इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एट सेक्शन टू टू तो देखिए ये आपका सेक्शन वन वन है और ये सेक्शन टू टू है तो जितना मास फ्लो रेट सेक्शन वन वन में होगा उतना ही मास फ्लो रेट सेक्शन टू टू में होगा हम मास फ्लो रेट जानते हैं मास फ्लो रेट क्या होता है मास फ्लो रेट क्या होता है इट इज मास डिवाइडेड बाय टाइम हम मास जानते हैं मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं दैट इज एरिया इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम हो गया ये आप लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो ये आपका वेलोसिटी आ जाएगा तो हमने मास फ्लो रेट लिख दिया दैट इज रो इंटू ए इंटू वी तो जितना मास फ्लो रेट यहाँ पे उतना ही मास फ्लो रेट यहाँ पे है इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया दैट इज रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू तो देखिए यहां पे तो कांस्टेंट एरिया डक्ट है मतलब ए वन की वैल्यू ए टू के बराबर होगी मतलब आपकी इक्वेशन बन जाएगी रो वन वी वन इक्वल टू रो टू वी टू अब सेकेंड हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनिमिक इसको हम हटाते हैं तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनिमिक और एनर्जी इक्वेशन इसको एनर्जी इक्वेशन भी हम कहते हैं तो देखिए अप्लाइंग स्टडी स्टेट एनर्जी इक्वेशन बिटवीन वन एंड टू तो ये इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं पहले ठीक है ये इक्वेशन कहाँ से आई है ये हम पहले समझ चुके हैं तो देखिए यहाँ पे जब आपका फेनो फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे देखिए जो आपकी ये पोटेंशियल एनर्जी रहेगी आपकी निग्लिजिबल रहेगी इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर देंगे डन आपका कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे क्यू के वैल्यू कितनी रहेगी ज़ीरो रहेगी यहाँ पे लिखा है विदाउट हीट ट्रांसफर विदाउट हीट ट्रांसफर है तो क्यू जीरो हो गया वर्क डन भी यहाँ पे कितना है जीरो है और आपका जो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है जीरो है तो देखिए हमारी एनर्जी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी एनर्जी इक्वेशन बन जाएगी एच वन प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू एच टू प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू इस एनर्जी इक्वेशन का हम एप्लीकेशन करते हैं कब कर जब हम नॉर्मल वेव और ऑब्लिक वेव पढ़ते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ डक्ट आपका क्या है कांस्टेंट है तो आपका क्या हो जाएगा V1 आपका V2 के बराबर हो जाएगा मतलब आप इसको क्या करिए काट दिया हमने तो यहाँ पे देखिए एच नॉट वन विल बी इक्वल टू एच नॉट टू मतलब स्टिग्नेशन एंड रिमेन कॉन्स्टेंट इन फेनो फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है यहाँ पे एरिया ऑफ डक्ट क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा तो एच विल बी इक्वल टू एच मतलब हम लिख सकते हैं एच नॉट वन विल भी इक्वल टू एच नॉट टू मतलब स्टिग्नेशन एनथेल्पी जितनी वन पे रहेगी उतनी स्टिग्नेशन एनथेल्पी टू पे रहेगी तो फेनोफ्लू में स्टिग्नेशन एनथेल्पी आपकी क्या रहती है कॉन्स्टेंट रहती है अब देखिए हमने लिखा एच नॉट वन इक्वल टू एच नॉट टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम एच नॉट वन को क्या लिख सकते हैं दैट इज सी पी टी नॉट वन इज इक्वल टू सी पी टी नॉट टू तो सी पी से सी पी आपका कट जाएगा आपका क्या बचिएगा टी नॉट वन इक्वल टू टी नॉट टू ये क्या है ये आपका स्टिग्नेशन टेम्परेचर है तो देखिए स्टिग्नेशन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इन फेनोफ्लो स्टिग्नेशन एन्थेलपी भी कांस्टेंट रहती है आपकी इन केस ऑफ फेनोफ्लो तो आप टी नॉट वन विल बी इक्वल टू टी नॉट टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो हमें ध्यान रखना है कि स्टिग्नेशन एनथेलपी भी कॉन्स्टेंट रहती है फेनोफ्लो में और स्टिग्नेशन टेम्परेचर भी आपका कांस्टेंट रहता है फेनो फ्लो में जो कि आपके इस इक्वेशन से निकल आया तीसरा हम देखते हैं मोमेंटम इक्वेशन हम जानते हैं मोमेंटम क्या, हो तो क्या Law, of of होता है सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा मास इंटू मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है फोर्स के बराबर होता है दैट इज फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन तो देखिए एक, एक्सलरेशन की जगह हम लिख सकते हैं दैट इज वी माइनस यू अपॉइट टी इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम मास को आप टाइम से डिवाइड करते हैं टाइम में इसके नीचे ले आता हूँ मास के नीचे ले आता हूँ तो देखिए आपकी सिग्मा एफ क्या बन गया एम बाई टी वी माइनस यू एम बाई टी को मैं क्या लिख सकता हूँ मैं इसको एम नॉट लिख सकता हूँ ये जो एम नॉट है ये क्या है रेट ऑफ मास है रेट ऑफ मास जो ट्रांसफर हो रहा है उसको मैंने एम नॉट बोला दैट इज एम बाई टी क्या है एम नॉट है यहाँ पे v क्या है इट इज द फाइनल वेलोसिटी और u आपकी क्या है इट इज द इनिशियल वेलोसिटी तो v की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे v2 लिख सकता हूँ u की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ दैट इज v1 वन में लिख सकता हूँ अब देखिए हमको सिग्मा f की वैल्यू निकालना है तो देखिए अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊ तो आपको इस तरीके से नजर आएगा तो देखिए यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है दैट इज P1 A1 ए वन यहाँ पे फोर्स लग रहा है दैट इज P2 A2 और यहाँ पे देखिए फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है जब आपने रेली फ्लो पढ़ा था तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता था रेली फ्लो में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता था लेकिन फेनो फ्लो में क्या लगता है फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगता है रेली फ्लो में क्या होता है विथ हीट ट्रांसफर विथ हीट ट्रांसफर मतलब इस इक्वेशन में यहां पे प्लस क्यू भी आता है लेकिन फेनो फ्लो में क्या होता है विदाउट हीट ट्रांसफर फ्लो आपका होता है तो यहां पे हमने हमको क्या करना पड़ेगा फ्रिक्शनल फोर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा जब हम सिग्मा एफ की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए हम इन तीन फोर्स को लेंगे इसको हम प्लस लिखेंगे और इन दोनों को हम माइनस लिखेंगे क्योंकि इनका डायरेक्शन क्या है अलग है तो देखिए हमने लिखा पी वन ए वन माइनस पी टू ए टू माइनस एफ इज इक्वल टू एम नॉट वी टू माइनस एम नॉट वी वन देखिए ये एम नॉट वी टू है ये मास फ्लो रेट इस पॉइंट पर है मास फ्लो रेट इस पॉइंट पर जो है दैट इज एम नॉट वाला है मतलब यहां पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे रोटू ए टू वी टू पुट करेंगे और एम नॉट वी वन में ये जो एम आपका है वो मास फ्लो रेट यहां का है ठीक तो देखिए यहां पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूं तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी ये तो यहां पे मास फ्लो रेट क्या लिखा रो टू ए टू वी टू लिखा और यहां पे मास फ्लो रेट क्या लिखा रो वन ए वन वी वन हमने लिखा है अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूं हम जानते हैं कि ए टू विल बी इक्वल टू ए वन दट इज इक्वल टू ए ठीक तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी दी वन माइनस पी टू ए माइनस एफ इज इक्वल टू रो टू वी टू स्क् माइनस रो वन वी वन स्क्वायर ए यहां पे जो ए टू है वो भी ए के जितना है ए वन भी ए के जितना है और वी टू में वी टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो वी स्क्वायर आपका आ गया और v1 में v1 वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे v1 स्क्वायर आ गया तो ये आपकी थी मोमेंटम इक्वेशन अगली फेनोफ्लो के लिए हम लोग इक्वेशन देख रहे देखे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक पे जो बेस रहेगी क्या रहेगी ये इक्वेशन दैट इज एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू सी पी लॉग ऑफ टी टू डिडेड बाई टी वन माइनस आर लॉग ऑफ पी टू डिवाइडेड बाई पी वन ये हमने थर्मोडाइनमिक में पढ़ा है फिफ्थ हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट है ये क्या बोलती है पी वी इज इक्वल टू एम आर टी हम मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो P इक्वल टू एम बाई वी आर टी एम बाई वी क्या होता है डेंसिटी होता है तो P बराबर आपका कितना आ गया? RT आ गया गया रो जो इक्वेशन इक्वेशन है आइडियल गैस इसमें हम क्या लिखते हैं H इक्वल टू सी पी टी तो ये छह इक्वेशन हमें ध्यान में रखना रहता है हम फिर आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमें क्या मालूम है देखिए हमें यहां पे सारी स्टेट में सारी वैल्यू हमको मालूम है हमको यहाँ पे एंथेल्पी मालूम है प्रेशर मालूम है वेलोसिटी मालूम है डेंसिटी मालूम है एंट्रोपी मालूम है और टेम्परेचर मालूम है ये अननोन स्टेट है यहाँ पे हमें ये सारी चीज निकालना है यहाँ पे एक और चीज निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स भी हमको यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे नोन कितनी है सिक्स नोन है और अननोन कितना है सेवन अननोन है तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन बनेगी लेकिन अननोन कितने हैं सात अननोन नोन है अननोन कितने सात हैं तो छह इक्वेशन से तो सात अननोन की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो ये सात अननोन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं ये टेम्परेचर की वैल्यू को हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं ठीक है हम टेम्परेचर की वैल्यू एज्यूम करके ये सारे अननोन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं जैसे कि टेम्परेचर हम 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री ले लेंगे और ये सारे अननोन की वैल्यू उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम निकाल लेंगे और उसके बाद एक ग्राफ बना देंगे

जो फ्लो है ये आपका सब सोनिक फ्लो है यहाँ पे मैक नंबर की वैल्यू देखिए लेस देन वन है ये आपका कौन सा है सुपर सोनिक फ्लो है यहाँ पे मैक नंबर की वैल्यू देखिए ग्रेटर देन वन है ये सोनिक फ्लो है यहाँ पे मैक नंबर की वैल्यू देखिए आपको वन नजर आ रहा है तो यहां पे तो फ्रिक्शन वाला केस रहता है तो देखिये इन फेनो फ्लो इन फेनो फ्लो देर इज नो हीट ट्रांसफर दैट इज फेनो फ्लो इज एडिबेटिक देयर इज फ्रिक्शन यहां पे फ्रिक्शन रहता है सो इट इज इिवर्सिबल एडिबेटिक होता है फेनोफ्लो क्या होता है इट इज इिवर्सिबल एडिबेटिक होता है इन एडिबेटिक प्रोसेस सिस्टम एंट्रोपी कैन नेवर डिक्रीज एडिबेटिक प्रोसेस में हम जानते हैं एंट्रोपी आपकी कभी भी डिक्रीज नहीं होती है आगे तो देखिए सुपरसोनिक फ्लो है तो यहाँ पे भी देखिए एंट्रोपी आपकी इंक्रीज हो रही है बढ़ रही है अगर सबसोनिक फ्लो भी रहेगा तो फेनो फ्लो देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी ये हो रहा है ठीक तो ये आपका डायग्राम इस तरीके का बन जाएगा अब देखिए मैं इस अब हम लोग क्या करेंगे इससे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजनस निकालेंगे तो देखिए जो आपका डायग्राम बना था फेनो फ्लो का इस तरीके का इस तरीके का उसको मैंने दो हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड कर लिया है ये जो आपका सबसोनिक फ्लो है इसको मैंने ऊपर बनाया है ये आपका सबसोनिक फ्लो देखिए यहाँ तक है उसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है और नीचे का जो आपका फ्लो है दैट इज अवर सुपरसोनिक फ्लो है जो कि आपका इतने हिस्से में है उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है तो इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे दो हिस्से में डिवाइड कर लिया है तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे स्टिग्नेशन टेम्परेचर ये हमको पता करना है कि जब सबसोनिक फ्लो रहेगा तो स्टिग्नेशन टेम्परेचर पर क्या फ़र्क पड़ेगा और जब सुपर सोनिक रहेगा तो स्टिग्नेसन टेम्परेचर पर क्या फ़र्क पड़ेगा फिर स्टिग्नेशन एंथेलपी हमको देखना है फिर एंट्रोपी देखना है फिर स्टिग्नेशन प्रेशर देखना है टेम्परेचर वेलोसिटी नंबर डेंसिटी और प्रेशर देखना है हम जानते हैं इन केस ऑफ फेनोफ्लो स्टिग्नेशन टेम्परेचर और स्टिग्नेशन एन्थैल्पी हमेशा कांस्टेंट आती है ये हम पहले देख चुके हैं तो देखिए पहले इन फेनोफ्लो स्टिग्नेशन टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट वेदर इट इज ए सबसोनिक और सुपरसोनिक फ्लो कोई सा भी फ्लो रहेगा स्टिग्नेशन टेम्परेचर आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा वी गेट स्टिग्नेशन टेम्परेचर बाय एक्सटेंडिंग द ग्राफ आइसेंट्रोपिकली देखिए ये आपका ग्राफ है इसको मैंने आइसेंट्रोपिकली एक्सटेंड किया है मतलब एंट्रोपी आपकी कॉन्स्टेंट होना चाहिए तो आपका ग्राफ आपको इस तरीके से नजर आएगा तो देखिए वन पॉइंट है और टू पॉइंट है दोनों जगह देखिए स्टिग्नेशन टेम्परेचर आपका सेम है टी जीरो वन इज इक्वल टू टी जीरो किसके लिए था सब सोनिक फ्लो के लिए था यह सुपरसोनिक फ्लो में भी देखिए मैंने इसको आइसेंट्रोपिकली एक्सपांड करा यहां पे देखिए दोनों जगह एंट्रोपिकॉन्स्टेंट है ये देखिए ये वाला है तो देखिए सुपरसोनिक फ्लो है उसमें भी आपका स्टिग्नेशन टेम्परेचर क्या है कॉन्स्टेंट है तो जब हम स्टार्टिंग में डेरिवेशन कर रहे थे उसमें भी हमने इसको प्रूफ कर लिया था कि स्टिग्नेशन टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंट आता है इन केस ऑफ फेनोफ्लो फ्लो आपका कैसा भी हो सब सोनिक हो या सुपरसोनिक हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट इज टी नॉट वन इक्वल टू टी नॉट टू तो दोनों केस में ये आपको कांस्टेंट मिलेगा स्टिग्नेशन एनथेल्पी भी कांस्टेंट होती है इन केस ऑफ फेनो फ्लो कोई सा भी हो यह आपका सब सोनिक फ्लो हो या सुपरसोनिक फ्लो हो देखिए इन फेनोफ्लो स्टिग्नेशन एंड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट वेदर इट इज सब सोनिक और सुपर सोनिक ये भी हम पहले देख चुके हैं तो यहां पे मैं लिख देता हूं ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट अब एंट्रोपी को देखते हैं देखिए सब सोनिक फ्लो जो आपका हो रहा है तो देखिए सब सोनिक जो फ्लो हो रहा है यहां पे एंट्रोपी आपकी इंक्रीज हो रही है ये देखिए एंट्रोपी इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है और यहां पे भी देखिए एंट्रोपीस सुपरसोनिक फ्लो में भी इंक्रीज हो रही है ये एंट्रोपी वाला है तो एंट्रोपी देखिए इस डायरेक्शन में जाएगी तो इंक्रीज होगी यहां पे भी देखिए ये आगे की डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों केस में एंट्रोपी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है ठीक तो फेनोफ्लो ओनली ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी दैट इज फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू वेदर इट इज सबसोनिक और सुपरसोनिक तो देखिये फेनोफ्लो ओनली ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी जिस डायरेक्शन में आपकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी उसी डायरेक्शन में फेनोफ्लो होगा तो एंट्रोपी देखिए सब सोनिक फ्लो रहेगा तब भी एंट्रोपी इंक्रीज होगी सुपर सोनिक फ्लो रहेगा तब भी एंट्रोपी आपकी इंक्रीज होगी अब हम देखते हैं स्टिग्नेशन प्रेशर तो देखिए स्टिग्नेशन प्रेशर देखने के लिए ये ग्राफ हमको देखना पड़ेगा ये देखिए ये ग्राफ बना है ये देखिए ये जो पी नॉट वन है ये स्टिग्नेशन प्रेशर किस पॉइंट पे इस पॉइंट पर है और पी नॉट टू आपका स्टिग्नेशन प्रेशर ये टू पॉइंट पर है जीरो टू यह आपका किसके लिए था ये सबसोनिक फ्लो के लिए था जिसमें मैक नंबर इज लेस देन वन और ये जो मैंने स्टिग्नेशन प्रेशर वाला जो यहाँ पे डायग्राम बनाया है जो ये ग्राफ बनाया है ये देखिए यहाँ पे सुपर सोनिक फ्लो में पी नॉट वन आपको यहाँ पे मिलेगा और पी नॉट टू आपको यहाँ पे ये पी नॉट टू पर भी देखिए ये ऐसा है देखिये पी नॉट टू पी नॉट वन के नीचे है तो देखिए सबसोनिक फ्लो हो या सुपरसोनिक फ्लो हो इस्ट इस्ट, स्टिग्नेशन प्रेशर क्या होगा डिक्रीज होगा क्योंकि ये क्या है पी नॉट टू क्या है क्या है नीचे है तो देखिए स्टिग्नेशन प्रेशर डिक्रीजेस इन फेनोफ्लो स्टिग्नेशन प्रेशर क्या होता है डिक्रीज होता है इन फेनोफ्लो वेदर इट इज सबसोनिक और सुपरसोनिक बिकॉज स्टिग्नेशन प्रेशर लाइन पी नॉट टू इज बिलो टू पी नॉट वन वेन वी मूव मूव फ्रॉम वन से टू जब हम वन से टू पे आएंगे तो पी नॉट वन हमेशा नीचे रहेगी पी नॉट टू के इसलिए स्टिग्नेशन प्रेशर हमेशा क्या होता है डिक्रीज होता है फ्लू आपका सबसोनिक हो या फ्लो आपका सुपरसोनिक हो तो यहां पे मैं लिख देता हूं स्टिग्नेशन प्रेशर डिक्रीज और यहां पे भी स्टिग्नेशन प्रेशर क्या होगा आपका डिक्रीज होगा अब हम देखते हैं टेम्परेचर तो देखिए अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर को बनाऊँ वन पॉइंट और टू पॉइंट के लिए तो देखिए यहाँ पर टी वन आ रहा है और टी टू आपका नीचे आ रहा है यहाँ पर टी टू ऊपर आ रहा है और टी वन आपका नीचे आ रहा है मतलब देखिए यहाँ पे सब सोनिक फ्लो में टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज होगा जब हम वन से टू पर जाएंगे और यहाँ पे जब वन से टू पे जाएंगे जब सुपर सोनिक फ्लो होगा तो हम वन से टू पे जाएंगे तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा तो देखिए इस ग्राफ से क्लियर है यहाँ पे टी टू नीचे इसलिए टेम्परेचर डिक्रीज यहां पे टी टू ऊपर है इसलिए टेम्परेचर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो देखिए इन सब सोनिक फ्लो इन सब सोनिक फ्लो टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड इन सुपर सोनिक फ्लो टेम्परेचर इंक्रीजेस तो देखिए हम यहां पे लिखते हैं सब सोनिक फ्लो में टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा और सुपर सोनिक फ्लो में आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा अगला हम देखते हैं दैट इज आवर वेलोसिटी तो देखिए वेलोसिटी देखना है तो फ्रॉम द एनर्जी इक्वेशन हम जानते हैं एच वन प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू एच नॉट वन ये क्या है ये स्टिग्नेशन एनथेल्पी है हम देखिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं एच वन को क्या लिख सकते हैं सी पी टी वन लिख सकते हैं प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू लिख सकते हैं स्टिग्नेशन एंथेल्पी को मैंने क्या लिख दिया सी पी टी नॉट वन लिख दिया तो देखिए ये जो स्टिग्नेशन टेम्परेचर और ये स्टिग्नेशन एंथेलपी जो है इन केस ऑफ फेनो फ्लो ये क्या होती है कॉन्स्टेंट होती है तो देखिए ये पूरी टर्म आपकी क्या आ जाएगी कॉन्स्टेंट आ जाएगी ये भी कॉन्स्टेंट होती है ज़रूरी नहीं कि आप इसको सी पी टी नॉट वन लिखें ये भी आपका कॉन्स्टेंट आता है मतलब आप इसको लिख सकते हैं इन फेनोफ्लो स्टिग्नेशन टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट सो हमने लिख दिया सी पी टी वन प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अब देखिए यहाँ पे आपने टेम्परेचर देखिए इन दोनों का सम क्या आना चाहिए कॉन्स्टेंट आना चाहिए तो इस केस में देखिए इस केस में टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है तो इस केस में अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी को इंक्रीज होना पड़ेगा तभी क्या होगा इन दोनों का सम क्या आएगा कॉन्स्टेंट आएगा और सेकेंड केस में देखिए सेकेंड केस में यहां पे जब सुपरसोनिक फ्लो हो रहा है जहां पे है टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है अब देखिए ये टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो वेलोसिटी को आपको क्या होना पड़ेगा कम होना पड़ेगा तभी क्या होगा इन दोनों का सम क्या होगा कॉन्स्टेंट आएगा तो देखिए हम लिखते हैं इन सब सोनिक फ्लो इन सब सोनिक फ्लो टेम्परेचर डिक्रीजेस देखिये टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है सो वी मस्ट इंक्रीज वी मस्ट इंक्रीज टू गेट ए कॉन्स्टेंट वैल्यू और अगले में क्या बोल रहा है तो सुपरसोनिक फ्लो में क्या है टेम्परेचर आपका देखिए इंक्रीज हो रहा है सो वी मस्ट डिक्रीज वेलोसिटी मस्ट डिक्रीज टू गेट ए कॉन्स्टेंट वैल्यू तो यहां पर हम क्या करेंगे वेलोसिटी आपका क्या होगा इंक्रीज होगा और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा डिक्रीज होगा तो इन केस ऑफ सुपर सोनिक फ्लो वेलोसिटी आपका डिक्रीज होता है इन केस ऑफ सब सोनिक फ्लो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होती है अब हम देखते हैं मैक नंबर तो देखिए आपको ये नज़र आ रहा है ये आपका फेनो फ्लो हो रहा है एक से दो के बीच में तो यहाँ पे क्या है मैक नंबर इज लेस देन वन और दो पे क्या हो जाता है मैक नंबर इक्वल टू वन हो जाता है तो यहाँ पे मैक नंबर इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैक नंबर इज ग्रेटर देन वन और यहाँ पे मैक नंबर क्या हो रहा है वन हो जा रहा है यहाँ पे एक से ज्यादा यहाँ पे एक से कम हो गया है तो सुपरसोनिक फ्लो में मैक नंबर आपका क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा और सब सोनिक फ्लो में मैक नंबर क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा ये हमको किससे दिख गया डायग्राम से दिख गया हम इसको देखिए इक्वेशन से भी निकाल लेते हैं हम जानते हैं कि मैक नंबर आपका क्या होता है दैट इज वी डिवाइडेड बाय सी होता है V क्या होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूड होता है और सी क्या होता है इट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड आपका होता है अब हम क्या कर रहे हैं हम सी जानते हैं सी क्या होगा दैट इज अंडर रूट गामा आर टी होता है ठीक इसको मैं मिटाता हूं हम क्या लिख सकते हैं एम इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी ठीक तो देखिए पहले इस वाले फ्लो को देखिएगा कौन सो को सबसोनिक फ्लो को पहले आप देखिएगा सब फ्लो में देखिए वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है और टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ठीक तो देखिए पहला मैं देखता हूं इन सब्सोनिक फ्लो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है और टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी मैक नंबर आपका इंक्रीज हो जाएगा मैक नंबर एम विल इंक्रीज इन केस ऑफ सब्सोनिक फ्लो और यहां पे भी आपको नजर आ रहा है यहाँ पे देखिए मैक नंबर इज लेस देन वन है और यहाँ पे टू पे जब हमने पहुंचा तो मैक नंबर इज इक्वल टू वन हो गया तो मैक नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है अब इन केस आप सुपरसोनिक फ्लो देखिएगा यहाँ पे देखिए वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है और टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है और टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है इक्वेशन में देखिए वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है और टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है नीचे वाली वैल्यू आपकी बढ़ रही है तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और देखिए ऊपर वाली कम हो रही है तब भी ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो ऊपर वाली कम हो रही है नीचे वाली ज्यादा हो रही है तो ये आपकी कम हो जाएगी तो देखिए यहां पे भी आपको नजर आ रहा है कि यहां पे मैक नंबर टू पे कितना हो गया वन हो गया मतलब यहाँ पे मैक नंबर आपका क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा सो मैक नंबर एम विल डिक्रीजेस तो यहां पे हम लिखते हैं यहां पे मैक नंबर आपका इंक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ सबसोनिक फ्लो और इन केस ऑफ सुपर सोनिक फ्लो आपका मैक नंबर डिक्रीज हो जाएगा इसके बाद हम देखते हैं कि डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है ठीक इसको मैं मिटाता हूं थोड़ा तो देखिए हम जानते हैं हम क्या जानते हैं दैट इज रो वन वी वन इक्वल टू रो टू वी टू आपका होता है मतलब हम लिख सकते हैं रो रोवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट रोवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी सबसोनिक फ्लो में वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है सब सोनिक फ्लो में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो डेंसिटी को कम होना पड़ेगा तभी इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो कांस्टेंट आएगा तो डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी इन केस ऑफ सबसोनिक फ्लो तो देखिए इन सबसोनिक फ्लो वी इंक्रीजेस सो डेंसिटी मस्ट डिक्रीजेस सेकेंड अपन देखते हैं सुपर सोनिक फ्लो में देखिए वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है तो डेंसिटी को बढ़ना पड़ेगा तभी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा दैट इज कॉन्स्टेंट आएगा तो देखिए हमने यहां पे लिखा इन फ्लो, वी डिक्रीजेस, सो रो मस्ट इंक्रीजेस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यहां पे डेंसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी यहां पे डेंसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी केस ऑफ सुपरसोनिक फ्लो आखिरी हम देखते प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा इसको हम थोड़ा मिटाते हैं तो देखिए हम जानते हैं दैट इज़ पी वी इज इक्वल टू एम आर टी हम इसको क्या लिख सकते हैं P इज इक्वल टू रो आर टी मैंने क्या करा मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या आ जाएगा डेंसिटी आपकी आ जाएगी तो R तो आपका कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपका कांस्टेंट रहेगा तो ये क्या हो जाएगा डेंसिटी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा टम्परेचर तो पहला देखिएगा सब सोनिक फ्लो में देखिए डेंसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है और टेम्परेचर देखिए टेम्परेचर भी आपका डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा तो देखिए हमने लिखा इन सबसोनिक फ्लो डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है तो देखिए आपका जो प्रेशर रहेगा विल आल्सो डिक्रीज़ इन केस ऑफ सब्सोनिक फ्लो इन केस ऑफ सुपरसोनिक फ्लो देखिए डेंसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है आपका टेम्परेचर भी देखिए इंक्रीज हो रहा है तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा इंक्रीज़ हो जाएगा हमने यहाँ पे लिखा इन सुपरसोनिक फ्लो डेंसिटी इंक्रीज टेम्परेचर भी इंक्रीज सो प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज इन केस ऑफ सुपरसोनिक फ्लो तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रेशर आपका डिक्रीज होगा इन केस ऑफ सब सोनिक फ्लो और यहाँ पे इस सुपर सोनिक फ्लो में आपका प्रेशर क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें समझ के इसको ध्यान में रखना है थैंक यू